गाइस गुड मॉर्निंग और अभी एक घंटे पहले मैं सो करके उठी हूँ. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे बिकॉज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू मीट लॉट ऑफ माय फेलो यूट्यूबर्स, फेलो कंटेंट क्रिएटर्स एंड माय फ्यू फ्रेंड्स. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड. कुछ लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं आज फर्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं. मैं जितनों को जानती हूँ वो सब आ रहे हैं वहाँ पर और काफ़ी सारे नए लोग भी आने वाले हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ एंड उनसे मैं फर्स्ट टाइम मिलूंगी. सो आई एम डेफिनेटली गोना टॉक टू एवरी वन, ईच वन ऑफ देम. मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग करने की बट जनरली मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं बातों में लग जाती हूँ मुझे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो मैं ब्लॉग करना ही भूल जाती हूँ. सो बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं ब्लॉग करूँ बिकॉज यू नो. और पता है ऐसे इवेंट्स में ना बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वहाँ पर जब इवेंट चल रहा होता है तो हमारी जो मैनेजर्स होती हैं वो लोग बोल देते हैं कि लिव इन द मोमेंट, आप मोमेंट को एंजॉय करो एंड ये करो वो करो. तो मैं इतनी भावनाओं में बह जाती हूँ कि मैं उनकी बात को दिल से लगा लेती हूँ और मैं लिटरली मोमेंट एंजॉय करने लगती हूँ ब्लॉग छोड़ करके. बट येस, मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग को करने की और सबसे इंट्रोड्यूस करवाने की आप लोगों को. एंड अभी तक मैंने ना ड्रेस डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. कल मैं एक दो से बात तो लोगों से बात कर रही थी कि क्या पहनना है, क्या पहनना है, क्या पहनना है, ऐसा होता है डिस्कशंस करते हैं. सो बिकॉज आज हमारा ना एक थोड़ा सा वर्कआउट सेशन भी है, फन सेशन टाइप का है. तो उसमें हमको ये बोला गया है कि आपको वो कपड़े रख के लेके आना है. अब बिकॉज मैं तो मुंबई में रहती हूँ, मैं अलग से शूज़ और ये सब नहीं लेकर के जाने वाली हूँ. सो व्हाट आई एम गोना वेयर इज मैं इस तरह का कुछ पहनूंगी जिसमें मैं शूज़ पहन सकूँ एंड कम्फर्टेबली, क्योंकि बहुत घंटे का है, सुबह से लेकर रात होने वाली है. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं शूज ही पहन करके जाऊं. तो इस तरह की ड्रेस सोच करके मुझे भी पहनना है. तो मैं फटाफट से नहा करके आती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. आज के वीडियो के हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं वो है मीशो. तो अगर आप घर बैठ करके ही बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद मी. मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अब जो दिन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए. सो आर यू एक्साइटेड लाइक मी फॉर द व्लॉग? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और ये जो इवेंट है ये स्पेशली वुमेन क्रिएटर्स के लिए है तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है. पहले ये जो इवेंट था ये गूगल ऑफिस में होने वाला था जिसके लिए आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि गूगल ऑफिस देखने को मिलता फॉर श्योर बिकॉज ऐसे पता नहीं कब जाने को मिलेगा बट गूगल ऑफिस में तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड थी. बट क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है और जगह का कुछ इशू हुआ है तो लास्ट मिनट उन लोगों ने वेन्यू जो है वो चेंज कर दिया है. तो अभी बैंड्रा में है, फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ मैं ऑब्वियसली वहाँ पर भी. सो आई एम सो एक्साइटेड. मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो सब पहुँच गई हैं, मुंबई लैंड कर गए हैं, सब लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर से भी आने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड. और मैंने अभी ये ड्रेस पहना हुआ है तो एक्चुअली हमारा वहाँ पर जूम्बा सेशन भी है तो उसके लिए आई एम गोना कीप माई वर्कआउट टॉप और हम लोग जीन्स और सब ने डिसाइड किया कि क्या क्या पहन करके आने वाले. तो सबने बोला हम स्पोर्ट्स शूज तो पहन के ही आएंगे क्योंकि एक फुटवेयर रखना फिर स्पोर्ट्स शूज चेंज करना वो हो नहीं पाएगा. सो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो वेयरिंग माई स्पोर्ट्स शूज. और मैंने पता क्या सोचा था कि कल मैं इनको वॉश कर लूंगी क्योंकि थोड़े गंदे हो रहे हैं, अभी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, व्हाइट कलर के हैं. बट वो अनफॉर्चुनेटली विकी मेरे को बोला कल अगर वॉश करूंगी तो कल सुबह तक नहीं ड्राई होने वाले हैं. तो मैंने वॉश नहीं किया, सिर्फ एक वेट वाइप से उसको थोड़ा सा ऐसे ही पोंछ लिया है. थोड़े से गंदे तो लग रहे हैं बट ठीक है, नेवर माइंड, क्या ही जाता है. और मैंने नॉर्मल सी जीन्स पहनी हुई है एंड उसके बाद ये वाला टॉप पहना है जिसको मैं अभी प्रॉपरली आराम से आपको दिखाऊंगी. और मैं भी जस्ट रेडी हो रही हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैं नहा करके आई हूँ, हमारा लंच भी वहीं पर है. तो फटाफट से रेडी होते हैं एंड देन फिर निकलते हैं, लेट्स गो. आई यूजली डोंट वियर दीज काइंड ऑफ क्रॉप टॉप्स, मतलब डायरेक्टली क्रॉप टॉप्स में नहीं पहनती हूँ, हाई वेस्ट जीन्स के साथ पहनती हूँ. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्रॉप टॉप. मैं जनरली इंडिया में नहीं पहनती हूँ, बाहर पहनती हूँ और कोई ऐसी जगह जाती हूँ तो पहनती हूँ. बट क्योंकि वुमेन क्रिएटर है कोई भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगने वाला है, सब लड़कियाँ आने वाली हैं, सो आई थॉट टू वेयर दिस. सो द टॉप इज लाइक दैट, ये है टॉप मेरा और इसमें इस तरह से कट है. Hey guys, so I'm sitting in a cab and I'm about to reach the location. और मेरी जो friends हैं वो almost पहुँचने वाली हैं और मैं भी पहुँचने ही वाली हूँ 15-20 minutes में and I'm so excited. और मैं सबकी Instagram stories check कर रही थी. Actually जिनको मैं follow करती हूँ my favorite YouTubers are also coming there. I'm so excited to meet them. मैं सबसे ही मिलने के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ. So yeah, let's just stay tuned for that. सब लोग ही एक्चुअली मैं खा करके हो चुकी हूँ.
कोई बात नहीं, सब चलता है। प्लेट्स के साथ ले रही हूँ मैं, सुनो तो, सबको प्लेट्स के साथ ले रही हूँ, प्लेट्स के साथ। ओह गॉड, कैसे हैं सब? सारे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं ना, रुचि के सारे फ्रेंड्स, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स, छोटा छोटा दोस्ती, रुचि बहुत अच्छी है, तो प्यार ढेर सारा देना। उसका लिविंग रूम अभी छुड़ाने वाली हूँ मैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। I have some partners here in the crowd, I'm glad you made it. And Sarthak is there, who's taking pictures. He's our So I'm gonna quickly move this side. I'm audible to everyone, right? Yes. And English is okay, and Hindi bhi thoda thoda. Talk to our teams, share your stories. It's an absolutely safe space here. And राइट नाउ आई एम एट द लोकेशन जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी होने वाली है, एंड यू वोंट बिलीव कौन मेरे साइड में बैठा हुआ है। लुक, श्रुति अर्जुन आनंद करने के लिए कह रही हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जो भी अगर अच्छा लगता हो, बुरा लगता है, जो भी लगता हो बताया कर दो, ताकि इम्प्रूव कर पाए और अच्छा कर पाए। अच्छा, ओके, हाय गाइस, एंड सी मेरे साइड में कौन बैठा हुआ है। ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरा हस्बैंड और हम दोनों आपके वीडियो देख के ही खाना बनाते हैं। सो गुड, आई एम सुपर हैप्पी। ये चलिए शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। हे गाइस, लुक हु आई एम विद। आई थिंक जितने भी लोग क्राफ्ट एंड DIY के शौकीन है, उनको सबको इनको पता होगा। मतलब मैं बचपन से आपको देख रही हूँ मोमो चैनल पे। करेक्ट, अभी YouTube पे। हाँ, इनका YouTube चैनल भी है, तो इफ यू इंटरेस्टेड इन आर्ट, DIYs एंड एवरीथिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। Guys, I am with Bhuvan Bamsi. Don't forget to subscribe to her. Yay! अच्छा, दोनों को ही नहीं है। मैं तो ज़्यादा। Hi guys, I'm back from a YouTube का जो event था वो, and I think मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने अभी तक जितने भी इवेंट्स अटेंड करे हैं ना YouTube के, मैं बहुत पहले से अटेंड कर रही हूँ। जब मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स थे फर्स्ट में, तब उसके इवेंट में गई थी YouTube के, और तब से लेके अभी तक मैंने जितने भी इवेंट्स अटेंड करे हैं, दिस वॉज माई बेस्ट मेमोरेबल यूट्यूब इवेंट, आप बोल सकते हो वैसा था। और उसकी बेस्ट चीज़ ये थी कि इन लोगों ने हमको इस तरह की वर्कशॉप्स नहीं दी कि आपको यूट्यूब कैसे ग्रो करना है, या आपको एडिटिंग कैसे करनी है, आपको ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ऑडियंस इंट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए ना, टेक्निकलिटीज नहीं थी। बट जो हमारा मतलब जैसे अभी यू नो बहुत सारे लोग यूट्यूब करते हैं, तो आपका जो मेंटल पीस है वो आप कैसे मेंटेन करेंगे, एंड यू नो इन सब चीज़ों के ऊपर पूरा सेशंस था। एक साइकेट्रिस्ट आई थी, उन्होंने प्रॉपरली हम लोगों के सेशंस लिए, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाई, फन। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मतलब मैं क्या बोलूँ, थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, या जो भी हूँ। अगर आप सब लोग इतना सारा प्यार नहीं देते, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर नहीं पहुँचती, और मुझे ये इतना अमेजिंग जो इवेंट है वो अटेंड करने को नहीं मिलता। आई एम सो थैंकफुल टू यूट्यूब एज वेल कि मुझे उन्होंने टॉप 50 जो क्रिएटर्स थे ऑल ओवर इंडिया से, वो आए थे। एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यूट्यूब एज वेल कि उनकी वजह से मुझे बहुत ट्रू फ्रेंड टाइप के लोग मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं। तब यूट्यूब का डिसीजन इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन इन माई लाइफ,
और आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. मेरा मन था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गौरव के लिए, फ्लाइंग बीस्ट वाले गौरव एंड ऋतु के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार भी उनसे नहीं मिल पाई. तो मेरी जो फ्रेंड है अनन्या वो नीचे थी और मैं ऊपर, तब श्रुति अर्जुन आनंद कपिदास किचन और टेक्निकल गुरु जी इन लोगों के साथ मैं ऊपर जब सेशन कर रही थी तब वो नीचे इन लोगों के साथ थी एंड उसका फ़ोन एक्चुअली बंद हो चुका था तो मुझे वो बता नहीं पाई कि गौरव तनेजा इज़ यू नो डाउन स्टेयर्स. तो मैं लिटरली भाग के जाती तो मेरा उनके साथ फिर से रह गया है मिलना. तो आई एम जस्ट होपिंग कि किसी दिन मैं उनसे मिल पाऊँ फ्लाइंग बीच से, मतलब मुझे पर्सनली उनसे मिलना है, बाकी सबसे तो मैं मिल ही ली हूँ. एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, लिटरली बहुत डाउन टू अर्थ है. ये जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं लाइक टेक्निकल गुरु जी, श्रुति अर्जुन आनंद हो गए, कविताज किचन हो गए, बी यू निक हो गए, ऑल आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी जेन्युइन एंड आई जस्ट लव देम सो मच. और ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी है इन लोगों के लिए. और यूट्यूब से मुझे कुछ गुडीज़ मिली हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ. ये बैग मिला है हम लोगों को, हुडी बैग मिला है. और तो सबसे पहला जो चीज़ उन्होंने मुझे दिया है ये दिया है द ग्रैटिट्यूड डायरी. आई एम जस्ट लविंग इट, एज यू ऑल नो आई लव डायरीज, मुझे क्यूट डायरीज बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये ग्रैटिट्यूड डायरी जो है इसमें इस तरह से आपका अपने दिन का पूरा जो भी आपका है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो यूट्यूब ने दिया है दैट इज दिस बाग ए बहार, अ मुगल गार्डन. ओके, अ कलरिंग बुक फॉर एडल्ट. तो ये एडल्ट की कलरिंग बुक है जिसका नाम है बाग ए बहार, बहुत ही अच्छा नाम है इसका. एंड ये भी बहुत ही अच्छी एंड थॉटफुल चीज़ है, बहुत अच्छा दिया है, बड़े लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया हुआ है तो काफ़ी प्रिटी सी है ये भी. उसके बाद उन्होंने दो कलर्स दिए हुए हैं, एक तो वाटर कलर है और दूसरा है वैक्स क्रेयॉन्स हैं. एंड नेक्स्ट है कैंडल जिसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट उन्होंने हमको दिया है ये योगा मैट ताकि हम लोग एक्सरसाइज करें, योगा करें और फिट रहें. तो ये है, बहुत मज़ा आया जो जुम्बा सेशन था उसमें, बहुत मज़ा आया. जिनको जुम्बा नहीं करना था उन लोगों के लिए कलरिंग सेशन था. सो यू नो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ ना मेरा बेस्ट यूट्यूब इवेंट था अब तक का ये, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. सो बिफोर फिनिशिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मीशो, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था. तो मीशो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि मीशो क्या है, जिनको नहीं पता है आई टेल यू. मीशो इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसमें आप घर बैठ करके ही ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ इंडियाज़ नंबर वन रीसेलिंग ऐप. घर बैठ करके खुद का बिजनेस कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट. आपका खुद का कुछ भी पैसा नहीं लगेगा और कोई इतना ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेगा. आपको सिर्फ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड फ़ोन में ध्यान रहे. और उसको डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, देन पूरा गो थ्रू होइए कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है. आप इसमें कुछ भी देख सकते हैं, लाइक आप डेकोरेशन आइटम्स देख सकते हैं, आप कपड़े देख सकते हैं, आप शूज़ देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वास्ट है इसके अंदर. जो भी आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली को पसंद आएगा आप वो उनके साथ शेयर करेंगे. एंड अगर आपकी शेयर हुई की हुई लिंक के थ्रू शॉपिंग की गई है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डायरेक्टली आपको मिलेगा. आपका कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है, आपके कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट पहुंचाना है वो मीशो दे हैंडल करेगा. आपको सिर्फ अपने कस्टमर्स बनाने हैं और उनको ये प्रोडक्ट सेल करने हैं, दैट्स इट. और बहुत ही सिंपल है, आप घर बैठ करके कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको पार्ट टाइम बिजनेस बना सकते हैं, आप चाहे तो उसको अपना मेन बिजनेस बना सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड, यू शुड ट्राई इट वंस. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसको ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा. एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक इट. इफ़ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.